हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों का क्लास 11 का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसका पार्ट टू के बारे में। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, जहाँ पर मैंने डिस्कस किया था बेसिक डेफिनेशन, न्यूटन्स लॉस ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन चेंजेस विद एक्सलरेशन ग्रेविटी विथ डेप्थ एंड हाइट एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। तो इतना तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पार्ट वन पे। अगर किसी को पार्ट वन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो में मतलब पार्ट टू में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बाद आता है हम लोग का एस्केप वेलोसिटी, जिसका रिवर्स प्रोसेस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। देन हम लोग सैटेलाइट के बारे में कुछ सीखेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी, देन उसका पोटेंशियल एनर्जी, देन उसका काइनेटिक एनर्जी, इन सब के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहाँ से हम लोग सीखेंगे आज मेनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्चुअली है क्या और उसका एक्सप्रेशन भी क्या है, ये हम लोग थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो पहले हम लोग सीखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आखिर है क्या। ठीक है, तो कोई भी प्लानेट का अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोगों को निकालना है तो उसका डेफिनेशन ऐसा रहेगा कि कोई भी यूनिट मास को अगर हम लोग इन्फिनिटी से उसका ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आते हैं तो हम लोग को कुछ वर्क डन करना पड़ता है, तो वही वर्क डन इसका पोटेंशियल होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट मास का अगर हम लोग इन्फिनिटी से कोई भी प्लानेट या कोई भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आते हैं तो इसके लिए हम लोगों को जितना वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन हम लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के हिसाब में मिलता है। ठीक है, तो हम लोग का एक्सप्रेशन जो है वो निकालना क्या है, इन्फिनिटी से एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए कितना वर्क डन हम लोगों को चाहिए, तो वही होगा इसका पोटेंशियल। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कोई भी एक मास या फिर अर्थ ही मान लेते हैं, कोई भी अर्थ या मास जिसका कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्फेरिकल साइज में है उसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग आर, कैपिटल आर, और हम लोग क्या करेंगे यूनिट मास को इन्फिनिटी से इसका फील्ड में मतलब आर रेडियस पे हम लोग लेके आएंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का या अर्थ का मास मान लेते हैं कैपिटल एम, जो इसका सेंटर में सेंट्राइज है। ठीक है, देन एक यूनिट मास को हम लोगों को लेके आना है, यूनिट मास को इन्फिनिटी से हम लोगों को लेके आना है इसका फील्ड में मतलब आर पे। ठीक है, तो एक हम लोग क्या बोलते हैं कैलकुलेशन के हिसाब के लिए हम लोग स्मॉल एम मास को एज्यूम करते हैं कि हम लोग इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आएंगे मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड तक लेके आएंगे, तो फिर हम लोग एम से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट मास हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग एम मास को ही क्यों लेके आएंगे, क्योंकि एम मास को लेके आने से हम लोग का यहाँ पर और एक टू क्वेश्चन कवर हो जाता है और वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के मामले में एक ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल है स्मॉल एम है उसको हम लोग इन्फिनिटी से उसका फील्ड में लेके आने के लिए जितना वर्क डन चाहिए वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल एम मास को लेके आएंगे इन्फिनिटी से फील्ड पे, तो स्मॉल एम मास को लेके आने से हम लोग जल्दी तो लेके नहीं आ सकते, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग लेके आएंगे। जैसे कि एम मास को हम लोग पहले लेके आया पी पॉइंट पे, जो सेंटर ऑफ दिस मास ओ से हम लोगों का एक्स डिस्टेंस पे है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ओ इज एक्स, एक्स एंड ओ नहीं सॉरी पी एंड ओ इज एक्स। ओ क्या है, जिस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकलना है उसका सेंटर, और पी क्या है, हम लोगों ने इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को थोड़ा लेके आया है पी पॉइंट पे, देन हम लोग पी से इन्फिनिटी स्मॉल और एक पॉइंट लेते हैं पी वन, तो
तो डिस्टेंस बिटवीन पी पी वन मान लेते हैं डीएक्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पी पी वन मान लेते हैं डीएक्स। तो इतना रहेगा हम लोगों का फिगर। अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो स्मॉल मास जो हम लोग का एम है वो कहाँ पर है, पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे स्मॉल एम मास है और ओ पॉइंट पे कैपिटल एम मास है और डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी है एक्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ये हम लोगों का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एम वन मास है कैपिटल एम, एम टू मास है स्मॉल एम और डिस्टेंस आर है हम लोग का यहाँ पर एक्स। तो ये हो गया हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका डायरेक्शन पे हम लोगों ने वर्क डन किया है, मतलब पी से पी वन पॉइंट पे उसको लेके आया है, जिसका डिस्प्लेसमेंट है डीएक्स। तो फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है यहाँ पर, तो हम लोगों का वर्क डन भी होगा, जैसे कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डीएक्स। तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला है डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी स्मॉल है dx है, इसलिए हम लोग का वर्क डन भी इन्फिनिटी स्मॉल होगा, मतलब dw, ठीक है। तो f के जगह पर हम लोग f का वैल्यू बिठा देते हैं जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डी डब्ल्यू। देन हम लोग का सिर्फ मैथमेटिकल सोल्यूशन करना है। तो w इक्वल्स टू d साइड चेंज करने से इंटीग्रल हो जाता है जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो हम लोगों ने प्लस साइड चेंज करने से माइनस हो जाता है, इनटू साइड चेंज करने से डिवाइड हो जाता है। वैसे ही डी को अगर हम लोग साइड चेंज करते हैं तो ये इंटीग्रल हो जाता है। तो इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक का लिमिट होगा, यहाँ हम लोग स्मॉल एम मास को इन्फिनिटी से कहाँ पर लेके आएंगे, उसका फील्ड मतलब आर रेडियस पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का लिमिट होगा इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोगों ने x डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, मतलब x मान के कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये ओरिजिनल डिस्टेंस तो हम लोग का x नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट x दूरी पे नहीं है। हम लोगों ने एज्यूम किया है कि हम लोग इन्फिनिटी से उसको x पे लेके आए हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल जो डिस्टेंस है वो x नहीं है, वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से हम लोग को लेके आना है आर पे, तो इसलिए इन्फिनिटी टू आर होगा इसका लिमिट। तो यहाँ पर जी एम एम कॉन्स्टेंट है, सामने लेके आते हैं इन्फिनिटी टू आर वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो डी के साथ में है एक्स, एक्स को छोड़ के जो भी टर्म रहेगा यहाँ पर सारा कांस्टेंट होगा और उसको हम लोग सामने लेके आएंगे। तो इसलिए जी एम एम को सामने लेके आया है, तो फिर वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। देन नॉर्मली इंटीग्रल यूज करेंगे हम लोग, इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ये है हम लोग का इंटीग्रल का फॉर्मूला। तो इसको जी एम एम इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाने से एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स, देन जी एम एम इसका इंटीग्रल करेंगे हम लोग एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन इन्फिनिटी टू आर। अभी तक हम लोगों ने लिमिट नहीं बिठाया है, थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं। जी एम एम एक्स टू द पावर माइनस वन बाई माइनस वन इन्फिनिटी टू आर, देन जी एम एम इस माइनस को सामने लेके आने से माइनस जी एम एम ये हो जाएगा वन बाई एक्स इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस जो है वो सामने रहेगा माइनस जी एम एम, फिर x के जगह पर अपर लिमिट मीन्स आर माइनस वन बाई एक्स के जगह पर लोअर लिमिट वन इन्फिनिटी, ठीक है। तो वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, वन बाई इन्फिनिटी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस जी एम एम बाई आर होगा। तो ये है हम लोगों का उसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर स्मॉल m मास को एज्यूम किया है, यूनिट मास एज्यूम नहीं किया है, इसलिए ये निकला है हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी
माइनस जी एम एम बाई आर, देन ओनली पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल्स टू हम लोग इसको स्मॉल एम से डिवाइड कर देंगे माइनस जी एम बाई आर, क्योंकि स्मॉल एम इक्वल्स टू वन। पोटेंशियल के लिए हम लोग को यूनिट मास को लेके आना है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग को स्मॉल एम मास को लेके आना है, कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से अर्थ तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी भी देख लिया, ठीक है। तो इसका रिवर्स प्रोसेस है हम लोगों का एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी पे भी इंटीग्रल चाहिए, लिमिट चाहिए, सारा का सारा प्रोसीड्यूर सेम है, लेकिन इसका रिवर्स प्रोसेस है। मैं इसको अभी समझा देता हूँ कि एस्केप वेलोसिटी आखिर है क्या। तो उससे पहले आप लोग इसको कॉपी कर लो, जल्दी से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अभी ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी आखिर है क्या, तो क्वेश्चन पे ही पता चलता है कि एस्केप वेलोसिटी मीन्स एस्केप प्लस वेलोसिटी। और एस्केप क्या है, एस्केप है हम लोगों का जो एस्केप कर जाते हैं, मतलब छूट जाते हैं, यहाँ से चला जाता है, उसको बोलते हैं एस्केप, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अभी एस्केप वेलोसिटी के बारे में। कोई भी प्लैनेट का हम लोग अर्थ को लेके कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि अर्थ में कोई भी ऑब्जेक्ट को कौन सी वेलोसिटी अगर दिया जाए तो कि वो एस्केप कर जाता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स से, मतलब वो इस वेलोसिटी से अगर हम लोग इसको छोड़ते हैं तो ये कभी भी अर्थ पे वापस नहीं आएगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के वो चला जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर एस्केप वेलोसिटी कोई भी सैटेलाइट को ना मिला हो तो वो वापस अर्थ में चला आएगा, ठीक है। तो कोई भी सैटेलाइट अगर एस्केप वेलोसिटी पकड़ लेता है तो वो कभी भी अर्थ में वापस नहीं आएगा, अर्थ का सरफेस छोड़ के वो चला जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो मान लेते हैं ये हम लोग का अर्थ है जिसका मास है कैपिटल एम, उसका सारा का सारा मास है, उसका सेंटर ओ पे और उसका रेडियस है आर। तो हम लोगों को कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल एम, उसको हम लोगों को सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी में लेके जाना है, ठीक है। कहाँ पर लेके जाना है, इन्फिनिटी में, ये रहा हम लोगों का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में लेके जाना है। तो सरफेस ऑफ अर्थ यहाँ से हम लोग थोड़ा सा लेके गए हैं उसको पी पॉइंट पे, जहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी है एक्स, ठीक है। फिर पी पॉइंट से इसको हम लोगों को थोड़ा सा इन्फिनिटी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं पी वन पे, तो डिस्टेंस बिटवीन पी पी वन है एक्स, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं अभी जो ऑब्जेक्ट है हम लोग का वो है पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है हम लोग का स्मॉल एम, तो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच में फोर्स क्या है, फोर्स एफ इक्वल्स टू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। देन उसको हम लोग इन्फिनिटी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स किया है, तो वर्क डन भी इन्फिनिटी स्मॉल होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स, ठीक है। देन डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डी एक्स, लिमिट होगा आर टू इन्फिनिटी, ठीक है। पहले लिमिट था इन्फिनिटी टू आर, अभी लिमिट होगा आर टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके जाएंगे आर से इन्फिनिटी तक, ठीक है। देन अभी f के जगह पर f का वैल्यू डाल देते हैं r टू इन्फिनिटी जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। देन कॉन्स्टेंट है हम लोगों का जी एम एम, उसको हम लोग सामने लेके आएंगे, पहले की तरह ही है ये सारा का सारा r टू इन्फिनिटी वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। देन जी एम एम अभी हम लोग इंटीग्रल कर लेते हैं, नहीं अभी एक्स स्क्वायर को ऊपर में लेके आना है आर टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स। अभी हम लोग इंटीग्रल करेंगे एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन। अभी इसको सिंप्लीफाई करने से लिमिट तो नहीं उठाया अभी तक, तो आर टू इन्फिनिटी, तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, जी एम एम एक्स टू द पावर माइनस वन बाई माइनस वन आर टू इन्फिनिटी। देन जी एम एम
ये माइनस को सामने लेके आते हैं, तो माइनस जी एम एम एक्स टू द पावर माइनस वन मीन्स वन बाई एक्स आर टू इन्फिनिटी, एक्स टू द पावर माइनस वन इक्वल्स टू वन बाई एक्स। देन अभी हम लोग लिमिट बैठाएंगे माइनस जी एम एम वन बाई इन्फिनिटी माइनस वन बाई आर। तो वन बाई इन्फिनिटी क्या है, वन बाई इन्फिनिटी है ज़ीरो, तो इस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस जी एम एम बाई आर। ठीक है, तो इतना वर्क डन हम लोगों को चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में लेके जाने के लिए। ठीक है, तो इस वर्क डन का इक्वल एनर्जी हम लोगों को ऑब्जेक्ट पे देना है। ठीक है, अगर उसका एस्केप वेलोसिटी हम लोग वी सफिक्स ई मान लेते हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नॉर्मल फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, इतना, तब जाके ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के चला जाएगा, मतलब एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग उसका एस्केप इफ एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू वी ई, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी ई स्क्वायर। ठीक है, अभी इन दोनों को इक्वल करना है, वर्क डन को और काइनेटिक एनर्जी का, तो इक्वल करते हैं हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर, एम एम कैंसिल, तो वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एम बाई आर, वी ई इक्वल्स टू रूट ओवर टू जी एम बाई आर। ये हो गया हम लोगों का एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करने से हम लोगों को निकलेगा, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी एम इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर। तो जी एम के जगह पर हम लोग जी आर स्क्वायर बैठा देते हैं, नीचे में आर कैंसिल हो जाएगा एक टू, तो रूट ओवर टू जी आर। ये है हम लोग का एस्केप वेलोसिटी वी ई, दैट इज वी ई इक्वल्स टू रूट ओवर टू जी आर। समझ में आई बात? तो एस्केप वेलोसिटी हम लोगों का निकला है वी ई इक्वल्स टू रूट ओवर टू जी आर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया, एस्केप वेलोसिटी भी हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे सैटेलाइट के बारे में, जो हम लोग का है सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी। ये तीन क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेंगे, तीनों हम लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है उसका 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सैटेलाइट का जो डेरिवेशन है उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा क्लास 11 का जो मैकेनिक्स पार्ट है उसका जो फॉर्मूला है सेंट्रीपेटल फोर्स, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे दिया हुआ है, चाहो तो देख सकते हो यहाँ से। तो सेंट्रीपेटल फोर्स है क्या? सेंट्रीपेटल फोर्स है कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में उसको रोटेट करने के लिए एक फोर्स चाहिए, जो जिसका डायरेक्शन होता है उसका सेंटर की तरफ, और उसी को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। और उसका एक्सप्रेशन है हम लोगों का एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर होगा हम लोगों का सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट देखो, तो मान लेते हैं हम लोगों का जो अर्थ है वो है ये, इसका सारा मास है उसका सेंटर पे, मतलब स्मॉल एम पे। ठीक है, ये रहा हम लोगों का अर्थ, उसका रेडियस है हम लोगों के लिए आर, तो सरफेस ऑफ अर्थ रहेगा इस सर्कल। ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ से कोई भी एक डिस्टेंस मान लेते हैं एच हाइट, जहाँ पर हम लोग सैटेलाइट को पुट करेंगे स्मॉल एम मास का। ठीक है, इस स्मॉल एम मास का जो सैटेलाइट है इसको हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ से एच हाइट पे पुट करेंगे। ठीक है, तो आर प्लस एच रेडियस को लेके एक तो सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जिस
पाथ पे वो अर्थ को रोटेट करेगा, ठीक है। तो आर प्लस एस रेडियस को लेके ये अर्थ को रोटेट करेगा। अभी अर्थ को सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए वो होता है एफ इक्वल्स टू एम वी ओ स्क्वायर बाई आर, जहां पर वी ओ है हम लोग का ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और आर है हम लोग का कैपिटल आर प्लस एच, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से उस सैटेलाइट का डिस्टेंस, ठीक है। तो स्मॉल आर हो गया कैपिटल आर प्लस एच। अभी देखो स्मॉल एम मास और कैपिटल एम मास के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ डैश इक्वल्स टू जी एम एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका डायरेक्शन होगा इस तरफ सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, और सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक है। अभी इन दोनों फोर्स इक्वल होने से ये रोटेट करेगा, ठीक है। अगर इक्वल ना हो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो तो सैटेलाइट धीरे धीरे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से सरफेस ऑफ अर्थ में आ जाएगा। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स ज़्यादा होता है तो सेंट्रीपेटल फोर्स ज़्यादा होने से ये धीरे धीरे आउटर सर्फिस को और भी इंक्रीज करके वो ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो इक्वल होने से वो रोटेट करेगा। तो अभी इन दोनों को इक्वल कर देते हैं एफ डैश इक्वल्स टू एफ, सो जी एम एम बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी ओ स्क्वायर बाई आर, स्मॉल एम कैंसिल, आर एक टू कैंसिल, वी ओ स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम बाई आर। तो वी ओ इक्वल्स टू रूट ओवर जी एम बाई आर, ये हो गया हम लोगों का ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रूट ओवर जी एम बाई आर, ठीक है। अभी निकालते हैं इसका टाइम पीरियड, मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट वन टाइम रिवोल्यूशन करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए वो अभी हम लोग निकालेंगे। तो जैसे कि हम लोगों को पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक फॉर्मूला एस इक्वल्स टू वी टी, तो टी इक्वल्स टू एस बाई वी। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से उसका टाइम पीरियड अगर कैपिटल टी रहा तो कैपिटल टी इक्वल्स टू एस बाई वी, मतलब एस क्या है वन टाइम सर्कल, मतलब एक बार उसका रोटेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए वो होता है टाइम पीरियड। तो एक बार रोटेट करने से वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर बाई वी हम लोगों ने निकाला है रूट ओवर जी एम बाई आर। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर रूट आर बाई रूट ओवर जी एम। तो टी स्क्वायर करने से आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी स्क्वायर। यहाँ तक भी हम लोग दे सकते हैं टी इक्वल्स टू इस लाइन तक भी हम लोग दे सकते हैं। तो ए आ गया हम लोग का उसका टाइम पीरियड। अभी हम लोग निकालेंगे उसका एनर्जी, पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं ब्लैक कलर से लिखता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब वी ओ स्क्वायर। तो हाफ एम वी ओ स्क्वायर है हम लोगों का जी एम बाई आर, दैट इज जी एम एम बाई टू आर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। देन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पहले लिखा है कि जैसे कि फर्स्ट डिराइवेशन था पोटेंशियल एनर्जी का, तो आर रेडियस पे लेके आने के लिए पोटेंशियल एनर्जी था हम लोगों का माइनस जी एम एम बाई आर। इसको आप लोगों को डिराइव करके दिखाना है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन पे दिखाया था पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रल करके इन्फिनिटी से आर तक लेके आना है, तो वहाँ पर था कैपिटल आर, यहाँ पर है स्मॉल आर, उतना ही है। देन टोटल एनर्जी क्या होगा, टी डॉट ई टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो प्लस करने से आ गया हम लोग का जी एम एम बाई आर कॉमन ले लेते हैं तो हाफ माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस जी एम एम बाई टू आर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का टोटल एनर्जी, ठीक है।
तो यहां पर और एक टू है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल पूछा जाता है क्वेश्चन पे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। ये है जिसका टाइम पीरियड है 1 डे, मतलब जिसका टाइम पीरियड इक्वल टू द अर्थ का टाइम पीरियड, मतलब हम लोग इस सैटेलाइट को अगर दूरबीन से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या दिखाई देगा, उस सैटेलाइट हर टाइम एक ही जगह पर दिखाई देगा, वो मतलब अपना जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा है, मतलब अर्थ का जो रोटेशन का स्पीड है, उसका जो रोटेशन का स्पीड है उस रेडियस पे, उसका टाइम पीरियड जो है, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, ठीक है। दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, और उसका जो एज का बिलो है वो है 3580 किलोमीटर, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 3600 किलोमीटर लिखते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट, ठीक है। और एक बात, अगर कोई भी सैटेलाइट अर्थ का बहुत पास रहा हो, बहुत ही क्लोज रहा हो, अर्थ का सरफेस ऑफ अर्थ से उसका डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो हम लोग यहाँ पर जो स्मॉल आर लिखा है, इसको हम लोग स्मॉल आर इक्वल्स टू किया है आर प्लस एच, अगर एच बहुत ही स्मॉल है तो इसको हम लोग इक्वल्स टू आर लिख सकते हैं, तब जाके हम लोग का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा, वी ओ इक्वल्स टू रूट ओवर जी एम बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि एस्केप वेलोसिटी था हम लोगों का वी ई इक्वल्स टू रूट ओवर 2 gm/r, इसको लिख सकते हैं √2 ✕√gm/r, तो √2 gm/r क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब वी ओ, तो एस्केप वेलोसिटी वी ई इक्वल्स टू √2 ✕ VO, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी है हम लोग का √2 ✕ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया आज का सवाल, क्या क्या निकला है अभी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, सारा का सारा सब आज निकल गया। तो यहाँ पर और एक टू इम्पोर्टेंट सा सवाल है, ये बोल देता हूँ, तो हम लोगों का ग्रेविटेशन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, इम्पोर्टेंट डिराइवेशन, फिर जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, अगर रहता है तो, अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो कमेंट में बोल देना, तो उस टॉपिक को लेके भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग लास्ट वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, केप्लर्स लॉ, ठीक है। केप्लर्स का 3 लॉ है, केप्लर्स लॉ, ये हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो केप्लर ने क्या बोला है, फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है कि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में सन को ऑर्बिटल शेप में रोटेट करते हैं, ठीक है। अर्थ या कोई भी प्लैनेट, कोई भी स्टार को या सन को इलिप्टिकल जो पाथ है उसमें रोटेट करते हैं, और सन जो है इस इलिप्स का 2 फोकस होता है, यहाँ पर और यहाँ पर, 2 फोकस के बीच में कोई भी एक फोकस में जो है सन रहता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर है सन, तो जनरली हम लोगों का सर्कल का जो है वो उसका सेंटर होता है एक मिडल पे, लेकिन इलिप्स का 2 सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस, तो सन जो है दोनों में से एक फोकस पे होता है, ये रहा फर्स्ट लॉ। सेकंड जो है वो है, कोई भी प्लैनेट कहाँ पर भी हो, मतलब मान लेते हैं कि एक प्लैनेट यहाँ पर है, सेम प्लैनेट, तो अर्थ या प्लैनेट, इसको मान लेते हैं प्लैनेट, प्लैनेट और सन का बीच में जो लाइन है इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इक्वल टाइम इंटरवल में ये सेम एरिया कवर करेगा, ठीक है। ये इक्वल टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करेगा, मान लेते हैं पी से यहाँ पर क्यू पॉइंट पे आते हैं वो टी टाइम पे, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसका, ये लाइन टी टाइम पे जो एरिया कवर कर रहा है, मतलब टी टाइम पे जो एरिया कवर कर रहा है वो सेम यहाँ से यहाँ तक आने के लिए
अगर टी टाइम चाहिए तो भी सेम एरिया कवर करेगा, ठीक है। आर्क जो है वो अगर इस एरिया अगर सेम होता है तो सेम एरिया कवर करेगा। इस फिगर से क्या पता चलता है, देखो हम लोग का जो समर होता है वो सन के पास में जब अर्थ होता है तब होता है समर, और जब डिस्टेंस ज़्यादा रहता है तब होता है विंटर। तो समर में क्या होगा, अर्थ जो है वो थोड़ा सा स्पीड में घूमेगा और विंटर में अर्थ जो है वो थोड़ा सा स्लो घूमेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इक्वल एरिया कवर करना है। तो समर में इसलिए डे एंड नाइट बहुत जल्दी होता है, और विंटर में थोड़ा सा टाइम जो है वो लेंदी होता है, ठीक है। ये रहा सेकेंड लॉ, जो इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल टाइम पे क्या चीज़ का, सन और कोई भी प्लैनेट का जो स्ट्रेट लाइन है वो। थर्ड लॉ है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, मतलब आर्क जो रोटेट करेगा उसका जो टाइम पीरियड है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कोई भी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है वो जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है उसका सेमी मेजर एक्सिस के साथ डायरेक्टली क्यूब में प्रोपोर्शनल है। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या है, ये होता है हम लोगों का मेजर एक्सिस, ये होता है हम लोगों का सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस का सॉरी, ये होता है मेजर, ये होता है माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब इसका हाफ पोर्शन, ये होता है आर, ठीक है। तो टी होता है कोई भी प्लैनेट का टाइम पीरियड, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो सेमी मेजर एक्सिस के साथ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब में रिलेटेड है, मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो ये रहा कैप्लर्स लॉ, जो बुक में या फिर मेरे नोट्स पे अच्छी तरह से दिया गया है। तो हो गया हम लोग का कैप्लर्स लॉ। कैप्लर्स लॉ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए, और कैप्लर्स लॉ के अंदर में जो न्यूमेरिकल्स होता है वो हम लोग का नीट और जेईई मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना तक ही रहता है, जहाँ पर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल सब कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा अगर कुछ बचा होगा थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन देखेंगे या फिर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, और फिर हम लोग एक दूसरा न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहता है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।